हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाई विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटर रीजन कोर्ट मैच को लेकर के। दोस्तों, इंटर रीजन कोर्ट मैच को लेकर के हमने लाइव कपल से भी आपको रूबरू कराया है, इससे पहले भी वीडियो बनाई है, मगर 2021 और 22 में इंटर रीजन कोर्ट मैच को लेकर के जो चेंजेस हुए थे उसको लेकर के कपल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और उससे भी बड़ी बात यह कि कुछ एडवोकेट्स या कुछ एडवोकेट्स भी नहीं है, कुछ लोग एजेंट्स इंटर रीजन कोर्ट मैच को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं कि इंटर रीजन कोर्ट मैच तो हो ही नहीं रहा है या नहीं हो सकता है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटर रीजन कोर्ट मैच के नाम पर नोटरी एफिडेविट मैरिज करा देते हैं, क्योंकि यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान में इंटर रीजन कोर्ट मैच विदाउट नोटिस या विदाउट फैमिली की कंसेंट के नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में वह बोलते हैं कि कोई नोटिस नहीं जाएगा, ना ही फैमिली की विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट है, हम आपकी मैरिज करा देंगे। वह मैरिज के नाम पर नोटरी एफिडेविट बनवा देते हैं जो कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही तो बंद हुआ है, आपका मैरिज यहाँ नहीं हो सकता, आपका मैरिज हाई कोर्ट से होगा, हम आपका मैरिज हाई कोर्ट से करेंगे। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट मैरिज नहीं कराती है। हाई कोर्ट से कपल का अगर कोई वकील साहब कराते तो लाइफ टू लिबर्टी के भाव पर रिट पिटिशन फाइल करके वह लिविंग की रिट अलाउ करा देते हैं, जिसके विवाह पर भी आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं होते, केवल साथ रह सकते हैं और उस साथ का भी कोई फ्यूचर नहीं होता है। इस पीरियड में बेबी हो गए तो क्या होगा, या आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या और कोई रीजन से आपको अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कराना है, तो वह लिव इन का ऑर्डर आपके कहीं भी काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको कम्प्लीटली कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज, इंटर रीजन कोर्ट मैरिज कैसे करें। दोस्तों, इससे पहले भी हमने लाइव आपको कपल इंटर रिलीजन मैरिज के से रूबरू कराया था, उनसे बातचीत कराई थी, उनका सर्टिफिकेट भी दिखाया था। दोस्तों, इंटर रिलीजन कोर्ट मैरिज बंद नहीं हुई है, कुछ स्टेट्स में रूल जरूर चेंज हुए हैं। अगर आप दोनों इंटर रिलीजन हैं, आपकी एज कंप्लीट है, तो एज पढ़ लो, आप अभी भी अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, जैसा हमने अभी आपको बताया, विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली वहाँ पर मैरिज पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर या किसी भी तरीके से आप अपना वहाँ मैरिज नहीं करा सकते हैं। अगर आप अपना मैरिज कराना चाहते हैं तो अभी आप दिल्ली एनसीआर में करा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई रूल नहीं है। दिल्ली में आपका यहाँ पर फर्स्ट डे पैलेस ऑफ मैरिज के व्यापार पर आपका यहाँ ज्यूरिडिक्शन बनता है, जिसके व्यापार पर आपका यहाँ पर पहले मैरिज परफॉर्म होगी और उसका नेक्स्ट डे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। डे वन आपकी मैरिज जो परफॉर्म होगी वह आयुष्मान मंदिर में परफॉर्म होगी, मगर उसका रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं होगा, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में नेक्स्ट डे अप्लाई कराया जाएगा, जिससे कि आपका कोई नाम चेंज नहीं होगा। जिसका जो नाम है, नाम वही रहेगा कपल में, यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डर रहता है मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, या मुझको लीगली इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अपनी मैरिज आयुष्मान मंदिर में भी करते हैं और उसका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में नाम चेंज नहीं होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट का मंदिर के बाद इंटर रिलीजन मैरिज का सर्टिफिकेट कैसा होता है, यह आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा हुआ, ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं, नीचे कपल हिंदू और मुस्लिम है, उसके बावजूद भी दोनों का कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने आयुष्मान मंदिर में शादी की है। नीचे कोर्ट ने मार्क भी किया है और यह सर्टिफिकेट विद इन ए वीक में रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज में हो करके इस हुआ है कपल को। दूसरा, दोस्तों, अगर आप आयुष्मान मंदिर में शादी करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट या कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में कराते हैं, तो वह सर्टिफिकेट कैसा होता है देख लीजिएगा। दोस्तों, इसमें नाम चेंज होगा, जो नॉन हिंदू है यानी हिंदू आयुष्मान में मैरिज हुई है तब इसका हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इसमें नाम चेंज होगा, नाम चेंज जरूर होगा, मगर जो ओल्डर नेम है पहले से ही वह भी आएगा, जो न्यू नेम रखा गया है वह भी आएगा। कुछ कपल नेम चेंज कराना चाहते हैं तो वह हिंदू मैरिज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसमें ये सर्टिफिकेट इस तरीके का होगा, दोनों नेम आएंगे। तो दोस्तों, यह थे इंटर रीजन कोर्ट मैरिज को लेकर के सर्टिफिकेट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरीके के होते हैं, यह प्रॉपर सर्टिफिकेट है। इसी के बिहाफ पर आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी मैरिज एमओयू से, लिव इन की रिपिटिशन अलाउ करा लेने से, एफिडेविट या कोई एग्रीमेंट साइन करा लेने से आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं।
दोस्तों जो मैंने ये आपको दोनों सर्टिफिकेट दिखाए हैं ये कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस होता है। दिल्ली में तो इवन रजिस्टर्ड ईमेल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट आता है। इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए सबसे पहले तो गर्ल की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, बॉय की 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। आप दोनों के पास एज और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और 3 विटनेसेस अगर आप अपने मैरिज का स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो मैंडेटरी होते हैं। विदाउट विटनेस मैरिज नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि विटनेसेज आपके पेरेंट्स ही हो, विटनेसेज आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स की भी विटनेस करा सकते हैं इंटर रिलीजन मैरिज में। दोस्तों यह प्रोसीजर विद इन ए वीक में दिल्ली में इजीली कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसीजर में कभी भी किसी के घर कोई नोटिस नहीं जाता है, ना ही फैमिली की विटनेस को मैंडेटरी किया गया है और न ही इस प्रोसीजर में 30 डेज का टाइम लगता है। दूसरा प्रोसीजर जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें सेम डे ही मैरिज होगी और सेम डे ही कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस प्रोसीजर में 3 विटनेस नहीं चाहिए होते हैं, केवल 2 ही विटनेस चाहिए होते हैं। दोस्तों एज पर लो अगर आप ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं तो आप अपना इजिली कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच मंडे टू संडे यानी 7 दिन कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।